दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं 3 किलोवाट के सोलर सिस्टम के प्राइस के बारे में। कंप्लीट बात करेंगे कितने यूनिट की जनरेशन करेगा, कितना प्राइस पड़ेगा, और अगर आप किसी कंपनी के पैनल की तरफ जाते हैं, किसी टेक्नोलॉजी के पैनल की तरफ जाते हैं, तो उसके लिए कितने नंबर ऑफ पैनल लगने वाले हैं, साथ ही आपको कितनी बैटरी लगेगी, और इसके साथ ही इन्वर्टर आपको कौन सा लगाना चाहिए, कितने किलोवाट का क्या क्या लोड चला पाएगा। यहाँ तक कि इस वीडियो में मैं आपको कवर अप करके दिखाने वाला हूँ कि अगर आप लाइटिंग अरेस्टर भी लगा रहे हैं तो आपके उस सिस्टम की कीमत क्या होने वाली है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हम लोग अपने इस वीडियो की। तो उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए आए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको सोलर से रिलेटेड हर एक इम्पॉर्टेंट वीडियो देखने को मिल जाएगी। राइट, देखिए यूनिट की जनरेशन आपको 12 यूनिट से लेकर 15 यूनिट की पर डे के हिसाब से मिल जाएगी। मैं अपने पिछले भी वीडियोज में बता चुका हूँ कि जो जनरेशन होगी आपके सोलर पैनल की टेक्नोलॉजी पर डिपेंड करेगी। उसके बाद इस पर आप क्या क्या लोड चला लेंगे, तो अगर आपके घर पर एसी है, 1 टन का भी एसी है, या आपके घर पर 1.5 टन का एसी है, 1.5 टन का एसी, तो इजिली आपका इस सिस्टम पर चल जाएगा। फ्रिज आपका 24 आवर इस पर चल जाएगा, कूलर, वॉशिंग मशीन, समर सेवल, ये सारे लोड आपके इजिली इस सिस्टम पर चल जाएंगे। और कितनी कितनी देर चलेंगे, तो इसके लिए मैं इस वीडियो के बाद एक कंप्लीट केस स्टडी बताऊंगा कि आप कितना लोड चलाते हैं, कौन कौन इक्विपमेंट चलाते हैं, तो आपका सिस्टम कितना बैकअप देगा, हर एक चीज बताएंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब बात करते हैं सोलर पैनल। सोलर पैनल की आपको वेरियस टेक्नोलॉजी मिल जाती है। यहाँ पर मैंने आपको इस वीडियो में 2 टेक्नोलॉजी के बारे में बता रहा हूँ, पहली पॉलीक्रिस्टलाइन पैनल और दूसरा हाफ कट पैनल। इसके अलावा आपको मिल जाएगी मोनो टेक्नोलॉजी और चौथी आएगी हमारी बाईफेशियल टेक्नोलॉजी। तो आप इन टेक्नोलॉजी की तरफ जा सकते हैं, पर मुझे ये दोनों टेक्नोलॉजी से ज्यादा यूजफुल पॉली या हाफ कट लगती है, क्योंकि मोस्टली प्रोजेक्ट्स के अंदर हाफ कट पैनल ही इंस्टॉल किया जाता है। अगर हाफ कट पैनल के जनरेशन की बात करें तो जैसे पॉली पैनल हमारा एक दिन में जो पावर यूनिट जनरेट करता है 1 किलोवाट सिस्टम के ऊपर, वो करता है अप्रोक्सीमेटली 4 से लेकर 4.5 यूनिट, मतलब 4.5 यूनिट तक की। तो अगर हम लोग 3 किलोवाट का सिस्टम लगा रहे हैं तो यहाँ पर हम 3 को इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो अप्रोक्सीमेटली पॉली पैनल से हमें 12 यूनिट पर डे की जनरेशन देखने को मिल जाएगी। तो हाफ कट पैनल की जो जनरेशन होती है वो 5 से लेकर 6 यूनिट पर डे की होती है हमारा 1 किलोवाट सिस्टम में, मतलब 1000 वाट के अगर हम लोग पैनल इंस्टॉल करेंगे तो हमें उससे 5 से 6 यूनिट की जनरेशन एक दिन में ऑन एवरेज मिलेगी। तो जब 3 यूनिट हम इस पे कैलकुलेट कर लेते हैं तो छोटा नंबर भी ले लेते हैं तो 15 यूनिट की जनरेशन हमें एक 3 किलोवाट के सिस्टम से देखने को मिल जाती है। अब बात करते हैं नंबर ऑफ पैनल्स कितने लगेंगे। दोस्तों अगर आप पॉली पैनल की तरफ जाते हैं तो पॉली पैनल आपके 330 वाट या मैक्स टू मैक्स 335 वाट तक के ही आते हैं। तो 1 किलोवाट के सिस्टम में आपके 3 पैनल लगते हैं, तो वहीं आपने अब 3 किलोवाट का सिस्टम लगाया है तो आपके 9 पैनल यहां पर लगने वाले हैं जब आप पॉलीक्रिस्टलाइन पैनल की तरफ जाते हैं, और ये पैनल आपको 12 यूनिट की जनरेशन करके देंगे। और वहीं अगर आप हाफ कट पैनल की तरफ जाते हैं तो यहां पर देखिए आपको हर कंपनी के हिसाब से अलग अलग पैनल की जो साइज होता है वो देखने को मिल जाएगा। दोस्तों अगर आप वारी की तरफ जाते हैं तो आपको 445 वाट का सोलर पैनल मिल जाएगा, ल्यूमिनस में आपको 540 वाट का सोलर पैनल मिल जाएगा, लूम में भी आपको 445 वाट का सोलर पैनल मिल जाएगा। तो डिपेंड करेगा आप किस कंपनी के पैनल की तरफ जा रहे हैं, पर अगर ओवरऑल एक नंबर की बात करें तो आपके 1 किलोवाट के अंदर बाईफेशियल के 2 पैनल लगते हैं। तो 3 किलोवाट की बात हो रही तो मतलब 6 यूनिट, मतलब 6 पैनल हमारे एक 3 किलोवाट के सिस्टम के अंदर लगने वाले हैं। ये तो बात हो गई पैनल। पॉली पैनल का प्राइस आपको 30 रुपए से लेकर 32 रुपए पर वाट तक मैक्स टू मैक्स पड़ता है, पर अगर आप 3 किलोवाट के पैनल ले रहे हैं तो आपको सिर्फ 30 रुपए के नियर अबाउट पड़ेगा, मतलब 1 किलोवाट के पैनल की कीमत आपको 30,000 रुपए पड़ेगी। और 3 किलोवाट का पैनल अगर आप लेते हैं तो आपको यही कॉस्टिंग 90,000 रुपए की पड़ने वाली है। और सेम चीज अगर आप पॉलीक्रिस्टलाइन की जगह हाफ कट पैनल की तरफ जाते हैं तो इसकी कॉस्टिंग आपको 35 रुपए से लेकर 38 रुपए पड़ने वाली है, 38 रुपए पड़ने वाली है, मतलब 1 किलोवाट पैनल कीमत आप अगर रॉ 35,000 रुपए भी ले लेते हैं तो आपको इस पैनल की कीमत पड़ेगी जाके 1,05,000 रुपए जब आप 3 किलोवाट के पैनल के सिस्टम की तरफ जाते हैं। तो ये तो हो गए हमारे पैनल की प्राइसिंग। अब बात करते हैं बैटरी की। दोस्तों देखिए बैटरी आपके 3 किलोवाट के सिस्टम के अंदर मतलब 48 वोल्ट लगने वाली है। 48 वोल्ट क्यों, क्योंकि 3 किलोवाट का सिस्टम है, ज्यादा लोड चलाते हैं, ऐसे में ज्यादा नंबर ऑफ बैटरी लगती है। एक बैटरी हमारी 12 वोल्ट की होती है तो 48 वोल्ट निकालने के लिए हमारी हो गई जाके 4 बैटरी। अब 4 बैटरी की बात करें तो 4 बैटरी हमारी, एक बैटरी की जो कॉस्ट आएगी वो आपको ऑन एवरेज 13,000 रुपए से लेकर
15,000 रुपये तक देखने को मिल जाती है। तो चार बैटरी है तो अगर हम 15,000 ले लेते हैं, आप कंपनी जो कंपनी वैरी करता है, तो अगर आप चार बैटरी लेते हैं तो 60,000 रुपये की आपको बैटरी की कॉस्टिंग पड़ने वाली है। और ये सारी बैटरी हमारी टाल ट्यूबुलर बैटरी होने वाली है। और इसके साथ अगर आप शॉर्ट ट्यूबुलर बैटरी लेते हैं तो उसका प्राइस आपको थोड़ा सा कम पड़ जाएगा, पर शॉर्ट ट्यूबुलर बैटरी मैं रिकमेंड नहीं करता, आपको टाल ट्यूबुलर बैटरी की तरफ जाना चाहिए। मैं इसके ऊपर एक कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। अब बात करते हैं इन्वर्टर की। देखिए बैटरी की कॉस्टिंग हमने 60,000 निकाल ली, अगर हम लोग हाफ कट पैनल की तरफ जा रहे हैं तो 1,05,000 रुपये हमारे हाफ कट पैनल की प्राइस आके। इन्वर्टर की बात करें तो इन्वर्टर में हमें दो ऑप्शन मिल जाएंगे, ऑन ग्रिड इन्वर्टर और ऑफ ग्रिड इन्वर्टर। ऑन ग्रिड इन्वर्टर के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बताऊंगा, यहाँ पर हम लोग ऑफ ग्रिड की बात ही कर लेते हैं। दोस्तों ऑफ ग्रिड में आपको ल्यूमिनस से लेकर आपका यूटीएल का हो गया, प्रो का हो गया, मतलब वेरियस ऑप्शन के आपको इन्वर्टर देखने को मिल जाएंगे। अब 3 किलोवाट का लोड चलाना है, मतलब हमको चलाना है 3000 वाट का लोड। 3000 वाट का लोड चलाने के लिए हमको चाहिए 3.75 KVA का कम से कम एक इन्वर्टर, और वो सोलर इन्वर्टर होगा। पर 3 किलोवाट में आपको PCUs मिल जाएंगे, तो आप PCUs की तरफ जा सकते हैं। आपको ल्यूमिनस, UTL, एप्रो और भी बहुत सारी कंपनियां आती हैं, इनके PCUs मिल जाएंगे। अगर इनके प्राइसिंग की बात करें दोस्तों, यहां पर भी आपको बड़ी वेरिएबिलिटी देखने को मिलती है। आपको 3 किलोवाट का PCU 30,000 रुपये से लेकर 60,000 रुपये तक मिल जाता है। तो आप डिपेंड करेगा आप किस कंपनी की तरफ जाते हैं। तो हम यहाँ पर एक ओवरऑल बीच की वैल्यू लेकर चलते हैं, मतलब हम लोग 50,000 रुपये यहाँ पर ऐड करके चलते हैं कि हमने 50,000 का PCU लिया है। तो ये जो 3 की कॉस्टें थी ये हमारी क्लियर हो चुकी हैं। अब बात करते हैं इसके साथ जो अदर कॉस्ट लगने वाली है, स्ट्रक्चर की कॉस्ट। दोस्तों देखिए अगर आप GI के स्ट्रक्चर, मतलब गैल्वेनाइज्ड आयरन के स्ट्रक्चर की तरफ जाते हैं, तो आपको 6,000 रुपये पर किलोवाट के हिसाब से स्ट्रक्चर मिल जाएगा, मतलब आपको 18,000 रुपये का स्ट्रक्चर की कॉस्टिंग आने वाली है। वायर, MC4 कनेक्टर ये सभी जोड़ लेंगे तो अप्रोक्सीमेटली आपको 3,000 रुपये इसकी कॉस्टिंग पड़ने वाली है। लेबर चार्जेस डिपेंड करेगा कि आप प्रोफेशनल ले रहे हैं या आप लोकल में सेट करवा रहे हैं। अगर आप प्रोफेशनल लेबर से लेते हैं तो 1500 से लेकर 3,000 रुपये तक लेबर चार्ज करते हैं, तो पर किलोवाट के हिसाब से दोस्तों बात कर रहा हूं, तो आप जोड़ सकते हैं। अगर 1500 भी ले लेते हैं तब भी 4500 रुपये आपका लेबर चार्ज आने वाला है। CDB बॉक्स इन सब की कीमत आपको अप्रोक्सीमेटली 10,000 रुपये के करीब पड़ने वाली है, और लाइटिंग अरेस्टर की कॉस्ट आपको 2,000 रुपये के करीब पड़ने वाली है। तो आपका ये पूरा सिस्टम होगा जितना आपको खर्चा करना है इस पूरे सिस्टम को लगाने के लिए। अब ओवरऑल इनकी कॉस्टिंग जोड़ लेते हैं कि कितना आपको इसके लिए देना पड़ेगा। कंप्लीट जोड़ने के बाद जो हमारा ओवरऑल बजट निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा 2,50,000 रुपये। और इस बजट से हम लोग यहाँ पर 15 यूनिट पर डे की पावर जनरेशन करेंगे। यहाँ पर मैंने हाफ कट पैनल को लिया है, चार बैटरी की कीमत है, यहाँ पर इन्वर्टर की 50,000 रुपये कीमत है, और तो इसमें फ्लेक्सिबिलिटी हो सकती है कि आप किस कंपनी के इन्वर्टर की तरफ जा सकते हैं। तो ये मानिएगा कि यहाँ पर आपका ये बजट 2,00,000 रुपये से लेकर 2,50,000 रुपये तक के बीच का आने वाला है। डिपेंड करेगा कि आप कैसे प्रोडक्ट ले रहे हैं, कैसी चीजें ऐड करवा रहे हैं। तो दोस्तों ये था वो पूरा 3 किलोवाट के सोलर सिस्टम का प्राइस। अब बात करते हैं इसकी रिकवरी आपकी कितने दिन में हो जाएगी। दोस्तों अप्रोक्सीमेटली किसी भी सोलर सिस्टम का पूरा पैसा निकलने में आपको करीब 5 साल का समय लगता है। उसके बाद अगर आपका ऑफ ग्रिड सिस्टम है तो आपको बैटरियां रिप्लेस करनी पड़ती है, पर अगर आपका ऑन ग्रिड सिस्टम है तो वहां पर आपको कोई बैटरी रिप्लेसमेंट नहीं करनी पड़ती। इसके ऊपर मैं कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो समझ में आया होगा, हर एक चीज आपकी क्लियर हुई होगी। तो इसी के साथ करते हैं इस वीडियो को समाप्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ। चैनल पर नए थे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो कंटेंट इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा।